कोलकाता में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या मामले के विरोध में चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। गौरतलब है कि डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों के लिए सुरक्षा को लेकर केंद्रीय संरक्षण कानून ने महिला डॉक्टर की हत्या मामले में न्याय और अन्य मांगों को लेकर देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर है। इसी के तहत चंबा में आज फिर डॉक्टरों द्वारा धरना दिया गया। जो दूसरा दिन है हमारे इस विरोध प्रदर्शन का, जो कोलकाता में हमारे डॉक्टर के साथ व्यवहार हुआ और उसकी मृत्यु हुई, मार दिया गया उसको, उसी के विरोध में हम आज दूसरे दिन भी हिमाचल में यहाँ पे चंबा मेडिकल कॉलेज में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखते हैं। और आज जो है हम अपनी डिमांड जो है प्रधानाचार्य महोदय के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएँगे और उनसे मिलेंगे। आज हम प्रधानाचार्य महोदय से अपनी डिमांड्स रखेंगे उनके समक्ष। साथ में ये है, चंबावासियों से मैं अपना विनती करता हूँ कि हमारे इस जो विरोध प्रदर्शन है उसमें हमारा साथ दें। उनको इसमें थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, मैं मानता हूँ, बट किसी की जान जाने से के बराबर उनकी ये मुश्किलें नहीं होंगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। जिस लड़की की जान गई है या आगे भी किसी की अगर जान जा सकती हो, उसको अगर हम रोक सकते हों तो उसके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल अगर हो रही है तो इसमें उनको हमारा साथ देना चाहिए। मैं यही विनती करता हूँ समस्त चंबावासियों से। और 21 अगस्त को इसलिए जो एक ब्लैक डे के रूप में हम इसमें विरोध प्रदर्शन रख रहे हैं, उसमें मैं जनता से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि उसमें हमारा साथ दें। कोई भी अपना एक कोई भी काले रंग का एक वस्त्र पहने हमारे साथ, हम भी उस दिन इसी तरह का विरोध प्रदर्शन रखेंगे। और प्रार्थना है ये कि हमारा इसमें साथ। कब तक जारी रहेगा ये प्रदर्शन? वो अभी नहीं कह सकते हैं, जब तक कि हमारी कुछ एक मांगे हैं, हम अपने मतलब कुछ एक जेन्युइन मांगे हैं जो होनी चाहिए, सभी जगह होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए। वो डिमांड्स हमने रखी हुई हैं सरकार के समक्ष, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक जो है हम मजबूर हैं कि बिल्कुल ये प्रदर्शन किसी न किसी रूप में ये जारी रहेगा। और हो सकता है हमको इसे बढ़ाना भी पड़े या कम करें, तो वो बट यही है, सारा डिपेंड करता है कि हमारी मांगे कहाँ तक सरकार मान रही है। हमारा ये विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है, अगर हम बोलें तो नहीं चाह रहे भी इसको हम और बढ़ाएं, बट हमारी ये मजबूरी है कि हमें कंटिन्यू करना पड़ रहा है। क्योंकि जो सरकार जो है वो हमारी बातें जो हैं, मिनिमम जो मांग रहे हैं हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है और उसको लागू कर दें, या हमारी कुछ लोकल डिमांड हैं यहाँ चंबा की हॉस्पिटल की हैं, मेडिकल कॉलेज की हैं, अगर वो पूरी हो जाती हैं तो हम ये वाला हमारा स्ट्राइक जो है वी विल डेफिनेटली टेक इट बैक। क्योंकि हम भी नहीं चाह रहे पेशेंट इसमें थोड़ा सा परेशान हों, और हम भी वी आर ऑल्सो यूज टू वर्क इन द एनवायरमेंट जहाँ पे हमें कंफर्टेबल, हम अपने ऑफिस में ही लगते हैं या काम करते कंफर्टेबल हैं, यहाँ हम खड़े खड़े वी डोंट फील सो मच कंफर्टेबल। ये जो मुहिम है, ये जो लड़ाई हो रही है, ये सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है, एक समाज के लिए लड़ाई है, हमारी माताओं बहनों हमारी बेटियों की लड़ाई है, उनकी सुरक्षा के लिए लड़ाई है। उसके बाद जैसे कि हमारे साथ फैकल्टी मेम्बर्स ने ब्रीफ आपको करी दी है कि कुछ लेवल्स पे हमारी मांगे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे चंबा के एडमिनिस्ट्रेशन का कि जो मांगे हमने उनसे की थी उन्होंने उस पर एक्शन लिया है। कुछ मांगे हमारी स्टेट से है कि जो डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट था उसको जल्दी से जल्दी नोटिफाई किया जाए, और नेशनल लेवल पे सबसे पहले जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिस बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसको जस्टिस मिले और उसके जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और उसके बाद डॉक्टर्स के लिए जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। आपके माध्यम से मैं चंबा की जनता को ये भी कहूँगा कि आप सभी हमारे साथ मिलकर आएँ, और आप जब तक हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड टू सेव योर सेवियर्स, कि अपने डॉक्टर्स को जो आपकी जान बचाते हैं उनकी जान बचाने के लिए आप आगे आएँ, उनकी सुरक्षा के लिए हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलें।